नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। ये सभी जो क्वेश्चन है ये काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं, मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन के जो विटामिन होता है ये मिलता है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। Which instrument is used for detecting electric current? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने में। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Who built जामा मस्जिद एट दिल्ली? जामा मस्जिद जो कि एक दिल्ली में एक मॉस्क है, उसको किसने बनाया है? तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा शाहजहां। जामा मस्जिद जो कि इंडिया के सबसे बड़े मॉस्क में से एक मॉस्क है, जिसकी कैपेसिटी है 25,000, जिसको एम्परर शाहजहां ने बनवाया था। और दोस्तों, इसको बनवाने में जो टोटल खर्चा जो आया था वो आया था 1 मिलियन रुपए का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। With which country did India conduct the third edition of the bilateral joint exercise Al Nagha 2019? तो दोस्तों, तीसरा एडिशन जो हुआ था bilateral joint exercise का, जो कि जिसका नाम था Al Nagha 2019, वो किस कंट्री के साथ हुआ था? तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा ओमान। जो थर्ड एडिशन जो हुई थी bilateral joint exercise की इंडिया और ओमान के बीच में, जिसका नाम था Al Nagha 2019, जो कि हुई थी जबेल ए अकदर माउंटेन ओमान में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो इंटरनेशनल कमिटी है रेड क्रॉस, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है जिनेवा। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ये एक ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और दोस्तों, ये कमिटी जो है ये थ्री टाइम्स नोबेल प्राइज विनर रह चुकी है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैविंग लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। इंडिया का जो रेलवे स्टेशन है जिसका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, उसका क्या नाम है? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शंस जो होंगे वो हैं गुड़गांव, न्यू दिल्ली, गोरखपुर और पुणे। तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है गोरखपुर। गोरखपुर रेलवे स्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है नॉर्दर्न इंडिया रेलवे का। और दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 1366 मीटर्स। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो उसको कौन रिमूव कर सकता है ऑफिस से? तो दोस्तों, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका जो टेन्योर होता है वो होता है 6 साल का, या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको हटाने के लिए दोनों हाउसेस से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, और उसके बाद राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो अगर उस पर ऑर्डर दे देंगे, जब जाके सीईसी को हटाया जा सकता है। और दोस्तों, ये किस बेसिस पे हटाए जा सकते हैं? या तो अनकैपेबल हो या फिर मिसबिहेवियर की वजह से। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड उमंग ऐप? कौन सी मिनिस्ट्री ने उमंग ऐप डेवलप करी है? तो दोस्तों, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी उमंग ऐप, जो कि एक स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऐप है, जो कि डेवलप हुई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हु गेव द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक स्लोगन दिया गया था डू और डाई, वो किसने दिया था ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1942 में, जो कि एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, जो कि लॉन्च किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बॉम्बे सेशन में, जिसको जिसकी लीडरशिप करी थी महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सजीबू चैरोबा इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, सजीबू चैरोबा जो है वो कौन सी स्टेट का एक फेस्टिवल है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस होंगे मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटका और गोवा। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। सजीबू चैरोबा एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है मणिपुर का, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है सजीबू मंथ में, सजीबू मंथ के पहले दिन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट, जो वेब पेजेस जो होते हैं वो कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और दोस्तों URL जो होता है उसकी लैंग्वेज, उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और जो HTTP होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो DOC होता है वो होता है डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों वेब पेजेस जो होते हैं वो सेव होते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रेल टनल इन इंडिया, इंडिया का जो सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट रेल टनल है वो कौन सा है। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पीर पंजल। पीर पंजल सबसे लंबा रेलवे टनल है इंडिया का, जिसकी टोटल लंबाई है 11.2 किलोमीटर, जो कि लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द 1 रुपी नोट वॉज इन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, जो 1 रुपी नोट जो था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में वो कौन से ईयर में हुआ था। तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस जो होंगे वो है 1919, 1915, 1917 और 1910। तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 1917। 30 नवंबर 2017 को इंडियन 1 रुपी करेंसी नोट ने 100 साल अपने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला 1 रुपी नोट प्रिंट हुआ था इंग्लैंड में, जो कि इशू हुआ था इंडिया में 13 नवंबर 1917 को, जिसके लेफ्ट कॉर्नर में किंग जॉर्ज फिफ्थ की इमेज प्रिंट थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो 1 रुपी नोट था इंडिया का जो कि पहला लॉन्च हुआ था उसमें किसकी इमेज थी। तो हमारा आंसर होगा किंग जॉर्ज फिफ्थ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग बिल्ट सांची स्तूपा, तो दोस्तों सांची स्तूपा के ऊपर काफी बार पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो दोस्तों जो सांची स्तूपा था वो कौन से किंग ने बनवाया था। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा अशोका। सांची स्तूपा लोकेटेड है भोपाल मध्य प्रदेश में, जो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है, जो कि कमीशन किया गया था बाय द एम्परर अशोका इन 3rd century BC, जो कि अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी जो होती है वो किस चीज की स्टडी होती है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा स्टडी ऑफ बर्ड। ऑर्निथोलॉजी डिराइव हुआ है एंशियंट ग्रीक वर्ड से, जो कि ब्रांच है जियोलॉजी का, जो कि होता है स्टडी ऑफ बर्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैकमोहन लाइन इज अ बाउंड्री बिटवीन, मैकमोहन लाइन जो है वो कौन सी कंट्री की, कौन सी दो कंट्रीज की बाउंड्रीज है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन एक बाउंड्री है जो कि शेयर करती है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को, और रेड क्लिफ लाइन बाउंड्री जो है ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ, नेशनल यूथ डे जो होता है वो किसकी बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इंडिया में, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एज अ बर्थ डे ऑफ
स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल इमरजेंसी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो मनाया जाता है इंडिया में वो क्या किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन होंगे December 13, December 14, December 12 और December 11। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा December 14। हर साल 14 दिसंबर को इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ, कोहिमा कौन सी स्टेट की कैपिटल है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इंडिया में जो भी स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स जो हैं उनके कैपिटल जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। कोहिमा जो है वो कैपिटल है नागालैंड की, और दोस्तों एजोल जो है वो कैपिटल है मिजोरम की, और दोस्तों अगरथला जो है वो है कैपिटल त्रिपुरा की, और गैंगटॉक जो है वो कैपिटल है सिक्किम की। तो ये सब कैपिटल्स जो है ये आपको पता होनी चाहिए, काफी बार एग्जाम्स में कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ब्यूटेन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्यूटेन एक फ्यूल की तरह यूज करा जाता है इनमें से किसमें? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन होंगे सिगरेट लाइटर्स, पोर्टेबल स्टोव्स, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स और ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सिगरेट लाइटर्स में, पोर्टेबल स्टोव्स में और प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स में। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन, हाई फ्लेमेबल, कलरलेस, इजीली लिक्विफाइड गैस है जो कि एलपीजी में भी यूज की जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन बाय द नेम योलुंग तिसेंको। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके किसी भी एग्जाम के लिए। जो योलुंग तिसेंको है वो कौन सी रिवर का दूसरा नाम है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन होंगे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और सतलुज। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर को येलोंग तिसेंको के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ओरिजिनेट होती है तिब्बत से और एम्प्टी होती है बे ऑफ बंगाल में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस फिल करी जाती है वो कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शंस होंगे ऑक्सीजन, आर्गन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा आर्गन। इलेक्ट्रिक बल्ब जो आ रहे हैं अभी वो फिल्ड होते हैं नाइट्रोजन और आर्गन के मिक्सचर से। ये इनर्ट गैसेस होती हैं जो कि प्रिवेंट करती हैं एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि जो फिलामेंट होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। रेटिना इन द आईज एक्ट्स एज आ, जो रेटिना होता है ह्यूमन आई में वो क्या किसकी तरह एक्ट करता है? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन होंगे लेंस इन द कैमरा, फिल्म इन द कैमरा, शटर इन द कैमरा और नन ऑफ दीज। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा फिल्म इन द कैमरा। रेटिना एक थिन लेयर टिश्यू होता है जो कि आई के बैक साइड में होता है, जो कि एक्ट करता है एज अ फिल्म इन द कैमरा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो म्यूजियम था जो कि इनॉग्रेट किया गया था वो कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया था? तो दोस्तों हमारे ऑप्शन होंगे दिल्ली, चंडीगढ़, कोलकाता और इंदौर। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2019 को रेड फोर्ट दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है वुलर लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, वुलर लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है? और दोस्तों ये जो लेक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक है किसी भी एग्जाम के लिए। वुलर लेक के ऊपर काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वुलर लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है? हमारे ऑप्शन होंगे उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। तो
तो दोस्तों जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। बुलन लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि एशिया के सबसे बड़े जो लेक्स हैं उनमें आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।